भाई तो ढूंढ ही नहीं सकते कुत्ते, तो कुत्ते ढूंढ ही नहीं सकते। राम जी की महिमा की महिमा है, बड़ाई है, बड़ाई है। तो ये कौन है? राम, राम सीता के रूप में, नारायण के रूप में, नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है, नारायण ही राधा कृष्ण रुक्मणी कृष्ण। एक बात एक ही है, ये भी लक्ष्मी नारायण है, ये भी ठीक है ना। हाँ, अमुक नाम बराय विष्णु रूपाय, अमुक नाम कन्या लक्ष्मी रूपाय, ठीक है ना, ठीक है। श्री राम जी की स्तुति, रामचंद्र जी की स्तुति पढ़ी थी ना, वो मैं रेगुलरली पढ़ती हूँ, मुझे पूरी याद है। हम कृष्ण को भी पढ़ते हैं, ब्रजवासी हम, वृंदावन के हम, तो अच्छा। हम तो हर चीज को कर देते जब जहाँ बोले, ठीक है। आपने उनसे कहा कि हमारा विवाह हो गया है जी, हमको जो मैं मांगूंगी वो पूरी नहीं हो जाती तो मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं बनने वाली। ये किधर बैठी है? पहले एक बार बोला था मैं शादी करने आया था, अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, लेकिन अब दूसरे बोलूंगा। ये क्या कह रही है वो सुनो, शादी में तो सुना ही नहीं था। अन्नपूर्णा की पदवी और देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध तो रखना मेरे हाथ। क्या बोला कि जा रस बहता हो वो है रस, होती वो है रसोई, बिल्कुल ठीक है ना। हिंदी के शब्द कितने सुंदर शब्द हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। और आज के तो रसोई नहीं है, आज का तो किचन है, किचन है, किचन होगी, ये कम हो गया, माँ किच किच होगी, मॉड्यूलर हो गई है, इसलिए भोजनशाला का प्रबंध इनके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। कहते ऋषि जीवन भी जीवन भर मेरा होगा सहयोग, ये कहना चाहती है सातवां वचन आपसे। अब जैसे ही आपने इनके वचनों को स्वीकार किया और जैसे ही वचनों पे कायम रहेंगे, यानी कि हम वचनों को स्वीकार करते हैं, ध्यान से देखो। अब सिंदूर होगा, सिंदूर फेरे तो हो गए, दीदी ने ध्यान से सुने सारे फेरे, दूसरे को देखो और देख करके बिल्कुल इधर से उधर हो जाओ। चलो सिंदूर टाइम, मंगलसूत्र टाइम। आपको तीन बार मांग भर दी है, तीन बार। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुनरीक्ष। मुबारक हो, शादी हो गई, हूटिंग तो कर दो। कैसे बैठे हो सारे? शंख बजाओ। हाँ तो अब फेरे होने वाले हैं, फेरे होंगे ना दीदी? अरे मैडम देवम उनको दो, मैं जब मंत्र बोलूंगा तो छोड़ा। मामी क्या हुआ? बड़े बड़े झुमके रखे हुए बेटा। हाँ उनको बोला पैसे नहीं चाहिए, बस वही झुमके दे दो हमारे, ठीक है, जूते की जगह वही मांगना है, ठीक है। रोने ना लगे तब जूते नहीं देने, ठीक है, डन हो गया। कितने कैरेट के जूते? जूते नहीं, झुमके, झुमके 24 कैरेट के, जूते तो चमड़े के ही है। तुम्हारी बारी आ गई है जूते वापस करने की, चलो चलो आ जाओ। क्या सिमरन को देखो, अच्छा एक बार उधर कैमरा करना, ये कर लिया, लुट गई है तू, ये देखो लुट गई है, ऐसा लग रहा है कि अभी किसी किसी को लुट गया ये अच्छा बंदा वैसा मार गया। मामा आपसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बटी अभी तक? अभी तक कोई बंगाल नहीं। मेरे पास बहुत खुशी है, मैं छोड़ दी सबको, छोड़ दी सबको। क्यों? मामी पसंद है हमारी? सिर्फ कोई भाई ये पसंद है, तो काली माता पसंद है। गाड़ी में बैठ, गाड़ी तो गाइस ये पैर छू रहे हैं कि विदाई हो जाए, समझ नहीं आ रहा क्योंकि हर कोई गले मिले जा रहे हैं। जूते लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे? क्या नंगे पैर जाएंगे? नहीं यार, ऐसे भाई 300 रुपए के जूते तो ले लो, नंगे पैर दो लाइट ऑन कर लो, पैसे दे दो, जूते ले लो, दे दो,
पैसे रख ले जूते चलो जूते दू कल देखो जूते कहाँ छुपाए हुए भाई तुम ढूंढ नहीं सकते जूते पाल यार इसको साफ भी कर अब गाली पहना दे जी अदर कुंभ का फोटो भी खिंचा लो जूते बिल्कुल साफ चलो 3 2 1 चलो वेरी गुड भाई किसी की किस्मत में शादी नहीं है किसी की भी नहीं है तुम्हारी है चलो तुम्हारी शादी हो गई अब लेट्स द रसम बिगिन विद आई टाइम इट्स वेरी हार्ड चलो चलो सारे खुश हो जाओ तो ये जो रस्म हुई है इसका मतलब ये है कि वो अपने सारे सुख जो है वो देकर जा रही है घर वालों को और आगे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है am I right साजन की घर चलो मैं नहीं इतनी क्या जल्दी तक मिल के जाओ मेरे को मिल के जाओ मेरे के साथ एक फ्री बाहर विदाई हो रही थी और मैं अंदर आई थी वो लोग जस्ट जा ही रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं सैंडल्स वगैरह अपनी हील डाल लेती हूँ फिर वापस जो है वो चली जाऊंगी मैं भी सब एग्जिट कर चुके हैं पूरा हॉल देख लो पूरा खाली है और सीरियसली बता रही हूँ मैं अंदर जूते लेने हैं मेरे जूते हैं ही नहीं है मैं जूते की बोल रही हूँ मैं अपने सैंडल्स लेने हैं मेरे सैंडल्स हैं ही नहीं है मतलब जीजू के जूते छुपाते छुपाते मेरे एक हो गए ये देखो मैं नीचे पजामा डाल रखा और स्लीपर अब मुझे ऐसे ही घर जाना पड़ेगा मैंने गोल्डन कलर की हील्स पहनी थी अगर आपने वीडियोस में भी देखा हो तो अब वो खो चुकी है वो कोई नहीं है मैंने भैया वगैरह सबसे पूछ लिया नहीं मिली आगे लाई हूँ स्नेहा की चप्पल और स्नेहा इतनी देर से अपनी चप्पल ढूंढ रही है पूछ बैठी हूँ चप्पल अरे अंदर तो गाइस अभी फिलहाल पहुंच चुकी हूँ घर घर पहुंचते हमने चेंज कर लिया सारी ज्वेलरी वगैरह सब उतार दी बहुत ज्यादा थकान हो चुकी है लेकिन अभी फंक्शंस बाकी नहीं हुए अभी रिसेप्शन बाकी है और हमारी दुल्हन जो है वो आफ्टर मैरिज कैसी लग रही है उसका लुक आपको रिसेप्शन पे देखने को मिलेगा तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और कल मुझे बहुत सारे काम है उठ के तो सुबह की 6 बज चुकी है तो फिलहाल अभी मिनी व्लॉग्स फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब जगह पे मिनी व्लॉग्स आने वाले हैं और स्नैपचैट पे भी आने वाले मिनी व्लॉग शॉर्ट्स आएंगे यूट्यूब पे देखना मत भूलना और रील्स जो मेरी वायरल मतलब लिटरली इतनी अच्छी रील्स बने ना तो उसको आपको इंस्टाग्राम पे देखना है फॉलो करना करो लेकिन रील्स जरूर देखना तो बाय बाय टेक केयर बाकी ध्यान रखो अपना और कैसी लग रही हो कमेंट करके जरूर बताना सब लोग में से सारो में से हमारी दुल्हन आपको कैसी लगी वो भी बताना और मेरी सिस्टर का इंस्टाग्राम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको भी जाके फॉलो कर लेना।